नमस्कार, मैं डिंपल शर्मा आप सभी दर्शकों का सिंधु युवा चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। सिंधु युवा संगठन के द्वारा साई लीला राम उल्लास नगर कैंप नंबर 1 में चेटी चंद का महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सिंधु युवा संगठन के अध्यक्ष सुनील गंगवानी ने कहा कि जन्मदिन के साथ साथ छठवें दिन के पश्चात झूलेलाल साईं जी की छठी का भी प्रोग्राम होना चाहिए। सिंधु युवा के द्वारा यह दूसरा वर्ष है जो झूलेलाल जी की छठी मनाते हैं। सुनील गंगवानी ने सभी शहरों के मुखी एवं सामाजिक संस्थाओं से निवेदन किया है कि सभी स्थान पर झूलेलाल साईं जी की छठी का आयोजन किया जाना चाहिए। यह एक नई पहल सिंधु युवा संगठन के द्वारा की गई है। बिलासपुर पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत युवा विंग व महिला विंग के संयुक्त तत्वाधान में भगवान झूलेलाल की जयंती चेटी चंद के महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लाल साईं जी के द्वारा पूजा आरती करके शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। सबसे आगे युवा टीम पानी का छिड़काव करके सफाई करते हुए चल रहे थे। उसके पीछे ज्योत स्वरूप बहराणे साहब की झांकी व भगवान झूलेलाल जी की झांकी, जागरूकता का संदेश देते हुए साई कंवर राम जी की झांकी व भारतीय सेना के शौर्य की झांकी, खून का कोई धर्म नहीं है कि झांकी, बाबा भोलेनाथ के बारात की झांकी, इस प्रकार सिंधी भाषा एवं बोली के विकास की 12 झांकियां शामिल थी। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए लोग आयोलाल झूलेलाल का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। ये झांकियां पूरे शहर में घुमाई गई। आगे आगे झांकियां पीछे नृत्य करते हुए सिंधी समाज के लोगों के द्वारा चेटी चंद महोत्सव पर भव्य जुलूस निकाला गया, जो कि सिंधी समाज की एकता व अखंडता का परिचय दिया। इस शोभा यात्रा में किशोर गेमनानी, अर्जुन तीर्थानी, योगेश थदानी, विजय छोगानी, प्रकाश गौलानी, विनीता भावनानी, सुनीता खत्री, गरिमा शाहनी आदि गणमान्य नागरिक व महिला सदस्य उपस्थित थे। पूज्य सिंधी पंचायत रामावेली में चेटीचंद धूमधाम से मनाया गया। भगवान झूलेलाल व भक्त कंवर राम की जीवित झांकियां बनाई गई। भक्ति भरे गीतों पर कालू निवासी नाचते गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा करौली का भ्रमण करके वापस गेट पर समाप्त हुई। आकाश दीप जलाए गए, पल्लव व एवं अरदास के साथ प्रसाद वितरण किया गया, भंडारे का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी पंचायत के सदस्यों का सहयोग रहा। हाईटेक आदर्श पूज्य सिंधी पंचायत जूना बिलासपुर के वरिष्ठ सदस्यों ने पूरी टीम के साथ पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत एवं युवा विंग महिला विंग के झूलेलाल साईं की शोभा यात्रा पर आतिशबाजी एवं फूलों की वर्षा करके भव्य स्वागत किया। चक्करभाटा चंद्रजो मेलो चक्करभाटा झूलेलाल मंदिर में चंद्रजो मेलो बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत झूलेलाल की फोटो पर माला पहना करके दीप जला करके की गई। बंटी लाल वानी, वरुण व ओम के द्वारा भक्ति में गीतों पर भक्तगण झूम उठे। चंद्र के मेले में रायपुर के कांग्रेस प्रवक्ता रमेश वल्याणी सह पत्नी के साथ मत्था टेका व साईं जी को से आशीर्वाद दिया। रमेश वल्याणी जी ने कहा कि ये अपनी भाषा एवं संस्कृति को न भूलें व अपने इष्ट देव झूलेलाल को भी न भूलें। लाल साईं जी ने झूलेलाल जी का पाठ किया। राजकुमार मसंद ने भी इस अवसर पर कविताएं सुनाई, जिसका आनंद सभी लोगों ने लिया। झूलेलाल के अरदास व पल्लव के बाद प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बाबा गुरमुख दास सेवा समिति के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। बिलासपुर चेटी चंद की पूर्व संध्या पर गणेश हेरिटेज पत्रकार कॉलोनी बिलासपुर में चेटी चंद बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासु कलवानी जी आए हुए सभी लोगों को भगवान झूलेलाल की टोपी व माला पहना करके सभी का सम्मान किया। सभी लोग भजनों पर झूम उठे। 12 बजे रात को केक काट करके भगवान झूलेलाल जी का जन्म उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें प्रमुख वासु कलवानी, जगदीश नागदेव, नवीन कलवानी, राजकुमार बजाज, कैलाश बजाज, दिनेश तीर्थानी, रमेश लाल जसवानी, आशीष जसवानी, राकेश सारवानी आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
बिलासपुर शहर की 3 प्रतिभाएं हुई सम्मानित। लेखक अखंड गहमरी द्वारा देश के कोने कोने से अपनी मां की द्वितीय पुण्यतिथि पर प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मान हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें आनंद लेडी का सम्मान पाठ सिखाने वाली पिंकी शर्मा को दिया गया व साहित्य सर्वोच्च सम्मान नीरज अग्रवाल व ट्विंकल अडवाणी को दिया गया। यह आयोजन एशिया के गहमरी में हुआ। गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जिसके उपन्यासकार राम गोपाल गहमरी की पहचान सैनिक बेटों को देने वाली अतुल्य धारा व माँ गंगा की पावन स्थली माँ कामाख्या देवी का मंदिर, ऐसे स्थान पर सम्मानित होना अपने शहर के लिए एक गर्व की बात है।